और सभी मेरे भांजे भांजियों की, किनके यहाँ? तो आज कौन के यहाँ आयो? मामा के। मैं भी मामा के यहाँ भगभग के जाता था, जैसे छुट्टी हुई मामा के घर चलो, क्योंकि नानी नानी की कहानियां और फिर मामा मामी का लाड़। लेकिन आज आप आए हो तो सचमुच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप सबको भी अच्छा लगा कि नहीं लगा? और ये मीडिया वाले भी देख ले भाई, ऐसे ऐसे नहीं आए हैं, सरकारी स्कूलों के है, सामान्य परिवार गरीब घरों के, इनकी बुद्धि इनकी मेधा इनकी प्रतिभा एक क्षण भी नहीं लगाया उन्होंने, एक एक प्रश्न के उत्तर दिए और इतने तालियां बजा के बड़े इन बच्चों का स्वागत करें। आज मैं आप सब बच्चों से यह कहना चाहता हूं, मेरे मन में भी एक तड़प है, प्रदेश की सरकार के मन में एक तड़प है, बच्चों के माता पिता में भी तड़प होगी कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो सबकी है, समाज के हर वर्ग का कल्याण करेंगे, लेकिन उसमें भी जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है, उसके लिए मैं सबसे पहले हूं और ये प्रदेश की सरकार भी सबसे पहले है। हमको कमजोर नहीं है, अंदर से भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे, मैं बचपन से पढ़ता रहा हूं स्वामी विवेकानंद को, वो कहते थे मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो अमृत का पुत्र है, ईश्वर का अंश है, अमर आनंद का भागी है और अनंत शक्तियों का भंडार है। कि कई बार हमको लगता है गगन चुंबी अट्टालिकाओं में पैदा होने वाले, आर्थिक रूप से बहुत अमीर घरों में पैदा होने वाले बच्चे जिनको सब सुख सुविधाएं रहती है दुनिया में बड़े काम वो ही कर सकते हैं, वो भी करते होंगे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन इतिहास उठा के देख लो जितने बड़े काम किए उनमें से अधिकांश गरीब घरों से आए, कष्टों में से आए, परेशानियों में से आए और संघर्ष कर करके आगे बढ़ते रहे, एक नहीं अनेकों उदाहरण भरे पड़े। अब्राहम लिंकन से लगा के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तक, एक नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण अभाव में गरीबी में परेशानियों में। मेडिकल कॉलेज में हुआ, अखिल भारतीय प्रतियोगी प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, आईआईटी में हुआ, आईआईएम में हुआ, नेशनल लॉ कॉलेजेज में हुआ और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में हुआ। शिक्षा में मुझे खुशी है, इस बार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के 60 लाख बच्चे पहली से लेके कॉलेज तक पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, बेटियां भी खूब पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रही है और अब तो कई जगह बेटों से ज्यादा बेटियां मुझे पढ़ते हुए दिखाई देती है गाँव में। जब हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत बड़ी बहुत कम संख्या में हैं।